हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सब्जेक्ट संग्रह में। अगर आप बीएन मंडल के स्टूडेंट हैं और आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड या तो भूल गए या फिर आपका खो गया है या आपको मालूम नहीं है, तो आप किस तरह से अपना यूजर आईडी और पासवर्ड क्रिएट करेंगे खुद से, वो भी अपने मोबाइल से, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, बीएनएमयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और उसमें आने के बाद आपको पहला यहाँ पर देख सकते हैं, आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं एडमिशन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको जो है थोड़ा देर वेट करना है, वेबसाइट जो ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगॉट एप्लीकेशन पासवर्ड, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आपसे जो यहाँ पर कुछ जानकारी पूछी जाएगी। जैसे कि आपको सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है पहले वाले ऑप्शन में अंडर ग्रेजुएट। अगर आप जो है ग्रेजुएट, आप ग्रेजुएशन में यानी पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थर्ड में है, तो आप इससे अपना यूजर आईडी। अगर आप पीजी में, तो पीजी से पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं और पीएचडी कर रहे हैं, तो सारे का यूजर आईडी पासवर्ड जो यहाँ से बना सकते हैं। फिलहाल मैं यूजी का बनाने वाला हूँ। उसके बाद आपको करना क्या है, इस वाले फॉर्म में आप या तो अप्लीकेशन नंबर है तो वो डालिए, अगर नहीं है तो 12th का रोल नंबर डाल दीजिए, 10th का मार्कशीट यहाँ पर फिल कर दीजिए, 10th का रोल नंबर और 10th पासिंग ईयर जो है वो आप यहाँ पर फिल करके सबमिट पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर वेटिंग का जो है एक विंडोज खुल जाएगा वेटिंग का, और वेटिंग करने के बाद आपको यहाँ पर यूजर आईडी और यहाँ पर जो है पासवर्ड आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड जो है बना सकते हैं खुद से, और अपना एडमिट कार्ड रजिस्ट्रेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अपना फॉर्म भर सकते हैं, और आपका जो रिजल्ट जारी होगा वो रिजल्ट का मार्कशीट भी आप जो है यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो डालूँ वो आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।